हेलो एवरीवन। तो गाइस आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं बनी हुई है और ऐसे में इस मेगा ऑक्शन से पहले आईपीएल की टीमें लगातार अपनी तैयारियों में जुड़ चुकी है, जहां पर आरआर की टीम भी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। और आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में आखिरकार राजस्थान रॉयल्स की टीम किन किन फास्ट बॉलर्स को टारगेट करती हुई नजर आएगी और कौन कौन से वो फास्ट बॉलर है जिनकी आरआर की टीम में एंट्री होने वाले, उन सभी फास्ट बॉलर्स के बारे में आज की वीडियो में मैं आज आपको फुल डिटेल्स में बताऊंगा। तो इसी वजह से आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, बात करें पहले फास्ट बॉलर के बारे में जिसको आरआर की टीम डेफिनेटली टारगेट करेगी और वो हमें अगले सीजन में आरआर की टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आने वाले, वो होंगे पैट कमिंस। जी हाँ दोस्तों, पैट कमिंस को लेकर आरआर की टीम, आरआर का मैनेजमेंट काफी ज्यादा श्योर नजर आ रहा है। लेकिन कई ऐसी खबरें आ रही है उसके मुताबिक पैट कमिंस शायद हमें आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन का पार्ट होते हुए नजर नहीं आएंगे, तो वो तो बात अलग है। लेकिन दोस्तों, अगर ये मेगा ऑक्शन में आते हैं तो आरआर की टीम डेफिनेटली इनके ऊपर अच्छी खासी बिडिंग करती हुई नजर आएगी और इनको पूरी तरीके से अपनी टीम में शामिल करने की आरआर की टीम की कोशिश होने वाली है। लोअर मिडिल ऑर्डर में आके बढ़िया बल्लेबाजी भी करते हैं, अच्छी खासी गेंदबाजी करते हैं। वहीं पर बात करें दूसरे फास्ट बॉलर के बारे में तो वहां पर नाम आता है दीपक चहर का। दीपक चहर को लेकर आरआर की टीम इस बार काफी ज्यादा श्योर है और आरआर के मैनेजमेंट की तरफ से ये खबर आई है, जहां पर आरआर की टीम ने क्लियर कर दिया है कि दीपक चहर के ऊपर राजस्थान रॉयल्स की टीम बहुत ही ज्यादा हाई बिडिंग करते हुए नजर आने वाली है। बहुत ही यहां पर हाई बिडिंग करती हुई नजर आएगी आरआर की टीम और आरआर की टीम उन्हें अपनी टीम में शामिल करने के लिए पूरी कोशिश करने वाली है। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी दीपक चहर, राजस्थान के ये क्रिकेटर है और आरआर की टीम इनके ऊपर अच्छी खासी बिडिंग करती हुई नजर आने वाली है। वहीं पर बात करें तीसरे फास्ट बॉलर के बारे में तो वहां पर नाम आता है खलील अहमद का। खलील अहमद यहां पर राजस्थान के ही क्रिकेटर है, ये पिछले कई सीजन से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का हिस्सा है। प्रदर्शन इनका इतना अच्छा भी नहीं है, इतना बुरा भी नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों ठीक ठाक बढ़िया खिलाड़ी है और आरआर की टीम इनकी तरफ जरूर देखेगी। ये भी बहुत ही अच्छे प्लेयर है और आरआर की टीम को अच्छे खासे प्राइस में भी मिल जाएंगे। वहीं पर अगले फास्ट बॉलर की बात करें तो वहां पर नाम आता है मुस्तफिजुर रहमान का। आरआर की टीम मुस्तफिजुर रहमान के ऊपर एक और बार भरोसा जताने वाली है। जयपुर की पिच इनको काफी ज्यादा शूट करने वाली है और ऐसे में आरआर की टीम मुस्तफिजुर रहमान के पीछे एक और बार बीडिंग करती हुई नजर आएगी और आरआर की टीम डेफिनेटली यहां पर मुस्तफिजुर रहमान की तरफ देखने वाली है। आईपीएल खेलने के लिए ये अवेलेबल रहते हैं और आरआर की टीम के लिए इनका प्रदर्शन पिछले सीजन में देखे तो अच्छा ही रहा था। इन्होंने अच्छी खासी गेंदबाजी करी थी, ऑलमोस्ट हर मैच में इन्होंने विकेट्स लेके दिए थे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक और खिलाड़ी है, वहां पर नाम आता है कमलेश नागरकोटी का। यंग फास्ट बॉलर है, आरआर की टीम युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताती है और उनमें से कमलेश नागरकोटी भी एक खिलाड़ी होने वाले हैं। आरआर की टीम डेफिनेटली उनके पीछे भी जाती हुई नजर आएगी। तो गाइज ये कुछ बड़े फास्ट बॉलर है जिनको राजस्थान रॉयल्स की टीम मेगा ऑक्शन में टारगेट करती हुई नजर आने वाली है। आपकी क्या राय है, इनमें से कौन से खिलाड़ी को आरआर की टीम लेगी, वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपको क्रिकेट से रिलेटेड और आईपीएल से रिलेटेड और भी ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेगी।